ये वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ दो पार्ट्स में। एक ही पार्ट में अगर मैं इसे अपलोड करूँगा तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, आ जाते हैं अभी थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। ये दो ऐसी लाइट्स हैं इसके ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत परेशानी की बात है अगर ये लाइट्स जलती हैं तो ये लाइट्स कौन सी हैं? राइट साइड में आपको एक ऑरेंज लाइट दिख रही है, इंजन के शेप वाली, ये वो लाइट है। और एक लेफ्ट साइड में आपको एक ऑरेंज लाइट दिख रही है, कॉशन वाली, ये वो एक लाइट है। ये दो लाइट्स जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस रखती हैं। राइट साइड वाली जो इंजन की ऑरेंज लाइट है ये तब ऑन होगी जब आपका एग्जॉस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, एग्जॉस्ट गैस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो ये लाइट जलेगी। इंजन माल फंक्शन की ये लाइट होती है। ये अगर लाइट जली है तो आपको तुरंत बर्गमैन को लेकर जाना है सर्विस सेंटर में। इसका मतलब है कि आपके इंजन में कोई फॉल्ट हुआ है, तुरंत लेकर जाना है। इंजन में अगर कोई फॉल्ट है और आप अगर वैसे ही अगर बर्गमैन चला रहे हैं तो आपका इंजन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। लेफ्ट साइड वाली ये जो कॉशन लाइट है, ये कॉशन लाइट तब जलती है जब आपका इंजन रिलेटेड कोई माल फंक्शन नहीं होता है पर दूसरा कोई मेजर माल फंक्शन हो जाता है बर्गमैन में। ओके, तो ये लाइट और ये दोनों लाइट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई भी लाइट अगर जले तो आपके सर्विस सेंटर में जाइए और इंस्पेक्शन करने को लगाइए, देख लीजिए कि आपकी बर्गमैन में ये लाइट क्यों जली है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ इंटरेस्टिंग लाइट्स भी लगी हुई हैं। इन पर्टिकुलर दो लाइट्स ऐसी हैं इस पर जो आपको पता होनी चाहिए ये किस लिए है। ये राइट साइड में जो आपने देखा अभी वाइट लाइट जलता हुआ, ये आई जो लिखा है ये नोटिफिकेशन लाइट है। ये नोटिफिकेशन लाइट आप बर्गमैन को जब ब्लूटूथ से पेयर करते हैं, अभी आप ये देखिए ब्लूटूथ पेयर मोड में है, जब भी आप इसे ऑन करते हैं इनिशियली तो ये ब्लूटूथ पेयर मोड में जाती है और पेयर करने के बाद में ये मैसेज चला जाता है और यहाँ पर एक ब्लूटूथ का साइन बनता है ऊपर, देखिए। तो इस तरीके से आपको ऊपर ब्लूटूथ का, नेटवर्क का और बैटरी का इंडिकेटर दिखाएगा जब आप ब्लूटूथ से आपका फ़ोन बर्गमैन को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये कनेक्ट करने के बाद में आपको अगर कोई कॉल या मैसेज आता है तो ये जो नोटिफिकेशन लाइट होती है राइट साइड में, ये जो आई लिखा हुआ है ये नोटिफिकेशन लाइट जलती है। यहाँ पर एक वाइट कलर का एलईडी लाइट लगा हुआ है, ये फ्लैश करता है। अगर कोई कॉल आएगा आपको तो ये 15 सेकंड्स के लिए फ्लैश होगा और अगर कोई मैसेज आएगा व्हाट्सएप या फिर कोई एसएमएस आएगा आपको तो ये 10 सेकंड्स के लिए फ्लैश होगा। लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा इनिशियल सीक्वेंस में एक इको मोड का लाइट है ग्रीन कलर का, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो लेफ़्ट में इको मोड का लाइट है जो अभी अभी आपने देखा, ये लाइट कब जलता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब आपको मेरे इस वीडियो में पता चल जाएगा। डेडिकेटेड वीडियो है इको मोड पे, वो आप जाकर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रिप मीटर के बारे में। ट्रिप्स कैसे सेट करते हैं हमारी बर्गमैन में, इसमें आपको दो ट्रिप्स मिलेंगी, ये रही ट्रिप ए और ये रही ट्रिप बी। तो ट्रिप ए तो मैं अभी रीसेट नहीं करूँगा, ट्रिप बी मैं आपको रीसेट करके बताऊँगा रीसेट कैसे करते हैं। ट्रिप ए एक्चुअली मैं माइलेज की वजह से मैं हमेशा ट्रिप ए जब भी फ्यूल फिलअप करता हूँ तब मैं मेरा जो ट्रिप ए है उसे रीसेट करता हूँ, तो इसलिए मैं ट्रिप ए नहीं रीसेट कर रहा हूँ अभी। और ऐसा आपको भी करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपका माइलेज अंडर चेक रहता है और अगर आपको बर्गमैन कम माइलेज देती है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, माइलेज टेस्ट अगर मेरा आपने देखा नहीं है तो मैं आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए बर्गमैन का माइलेज टेस्ट। रीसेट करने के लिए आपको बस क्या करना है, ये जो सिलेक्ट बटन है सिलेक्ट बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड कर रखना है जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता और बस इट्स दैट सिंपल। ये ज़ीरो हो चुका है और अभी ये क्लॉक होता रहेगा। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बोनस टिप है मेरी तरफ से। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए
समझिए आप कोई रेड लाइट पे खड़े हैं और आपके पास में 100 टू 120 सेकंड्स हैं, ये जो इंजन किल स्विच है आप इसे बंद कर देते हैं जैसे मैंने अभी किया हुआ है और आप वेट करते हैं। तो इस दौरान अगर आपको आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है पर आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मोड में नहीं है, तो आप बस एक बार मोड प्रेस कर दीजिए, ये फिर से ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में आ जाएगी और इसके बाद आप अपना फ़ोन इससे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की तरफ अभी आ जाते हैं, ये है हमारा नेविगेशन। बर्गमैन में हम टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऑन करके किसी जगह पर आपको कैसे पहुंचना है वो अगर आपको पता नहीं है तो इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको हेल्प करता है वहाँ पर पहुंचने में। तो ये नेविगेशन के मैं आपको कंपोनेंट्स एक बार बता देता हूँ, पर मैंने इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो लेफ़्ट साइड में एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट में आप ये जो एक छोटा बार देख रहे हैं, ये बार जो है ये नेविगेशन बार है। समझिए आपको आगे से कोई लेफ़्ट टर्न लेना है। अभी ये 1.4 किलोमीटर्स जो बता रहा है ETA नीचे, 1.4 किलोमीटर्स में हमें टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर 500 मीटर्स बचेंगे हमारे ETA में, तब से ये बार जो है ये ड्रेन आउट होना चालू हो जाता है, ठीक है। और जब ये पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा तब एक करेस्पॉन्डिंग टर्न जो आपका आएगा लेफ़्ट या फिर राइट वाला, वो टर्न आपको लेना है, ठीक है। इसके राइट साइड में जो ये आप एरो देख रहे हैं, ये अभी हमें स्ट्रेट जाने के लिए दिखा रहा है। यहीं पर आपको सारे इंडिकेशंस मिलेंगे, आपको स्ट्रेट जाना है या राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, या फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, या फिर सर्कल से लेफ़्ट या फिर सर्कल से राइट, ये सारे जो इंडिकेशंस हैं ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। ये जो एरो सेक्शन है यहाँ पर ये आपको दिखाएगा, ओके। और इसके नीचे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है हमें। अभी हो रहे हैं 5:44 और ये ETA जो है ये बता रहा है 7:37 PM, ओके। तो ये कैलकुलेशन जो होता है ये रास्ते में ये कैलकुलेशन चेंज भी हो सकता है। अभी मैंने इसे सेट किया है नासिक पे, अभी मैं नासिक से हूँ 68 किलोमीटर्स की दूरी पर, ओके। तो ये वो भी आपको दिखाएगा, ये यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए 68.1 किलोमीटर्स ये दिखा रहा है, ओके। 7:38 दिखा रहा है, देखिए अभी ये चेंज हो गया क्योंकि मैं मोशन में नहीं हूँ अभी। तो आप जितना टाइम भी रुकेंगे आपके रास्ते में तो उतना ये ETA बढ़ाएगा आपका, उसके हिसाब से आपका ETA चेंज होगा टाइम के हिसाब से, ओके। और ये जो 1.4 किलोमीटर्स है, ये 1.4 किलोमीटर्स आपका अगला टर्न जहाँ पे आपको लेना है वहाँ तक का 1.4 किलोमीटर है, ओके। तो इसके ऊपर आपको बस ध्यान देना पड़ता है, 500 मीटर्स पे जब ये आ जाता है तब आपको कहाँ से टर्न लेना है वो ये आपका बार सजेस्ट करेगा आपको। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है नेविगेशन के ऊपर तो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया है आई बटन में, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिए, ओके। सो आई थिंक मैंने सब कुछ अभी कवर कर दिया है इस वीडियो में, और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, एक लाइक करके।